अगर आप भी अपनी ऑडियो या वीडियो को टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो, पॉडकास्ट हो या फिर कोई जरूरी लेक्चर, आज मैं आपको दो जबरदस्त तरीके बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपनी ऑडियो और वीडियो दोनों को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब होगा बिल्कुल फ्री, वो भी प्रीमियम क्वालिटी के साथ। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। अपनी वीडियो या ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है नोटा AI। तो ये पहली एप्लीकेशन जो आपके सामने आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसे आपने यहाँ इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अगर लॉग इन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या कंटिन्यू एज ए गेस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा नोटिफिकेशन का, आपने इसे अलाउ कर देना है और उसके बाद फिर से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अकाउंट सेटअप भी कर सकते हैं और यहाँ पर फ्री में आप 120 मिनट एक महीने के अंदर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी 120 मिनट की वीडियो या ऑडियो यहाँ पर आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर आपके 120 मिनट मुकम्मल हो जाते हैं तो आपने इस एप्लीकेशन का डाटा क्लियर कर देना और उसके बाद फिर से आपको 120 मिनट मिल जाते हैं। तो इसे आप बिल्कुल अनलिमिटेड और फ्री यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद अगर आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो के ऊपर क्लिक करें, या यहाँ पर आप इंपोर्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो लैंग्वेज आया जाएगी, किस लैंग्वेज में आपकी वीडियो है, आपने उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर उर्दू, हिंदी और तमाम लैंग्वेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपने इंपोर्ट ऑडियो फाइल या इंपोर्ट वीडियो फाइल, अब आपके पास ऑडियो है तो ऑडियो को इंपोर्ट कर दें, वीडियो है तो वीडियो फाइल को यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो ऑडियो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपने सिंपल उस ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है, देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब पर इसने हमारी पूरी ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपने इसे सिंपल कॉपी करना है और उसके बाद आप अपने टेक्स्ट को जहाँ भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट की अपनी जो ऑडियो थी उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पर हमारे 5 मिनट यूज्ड हो चुके हैं। तो आप इसे अनलिमिटेड यूज़ करने के लिए आपने बैक आना है और इस एप्लीकेशन का डाटा आपने क्लियर कर देना है। यहाँ पर स्टोरेज में आपने जाना है और क्लियर स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है। देन आपने दोबारा से इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे फिर से आपके सामने वही इंटरफेस आएगा, आपने फिर से कंटिन्यू एज अ गेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद अलाउ वगैरह कर देना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो 5 मिनट यूज हुए थे वो 0 हो चुके हैं। आप इसे इस तरह अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप YouTube की किसी वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने Google Chrome को ओपन करना है और यहाँ पर YouTube ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर सर्च करना है। देन यहाँ पर आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी tectech.io, या आप यहाँ पर notegpt.io का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों फ्री हैं, आप इनका यूज़ करके अपनी YouTube वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहली वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन आपने अपनी YouTube वीडियो को यहाँ पर पेस्ट करना है और उसके बाद गेट वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट है वीडियो की वो यहाँ पर शो हो चुकी है। आपने सिंपल कॉपी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने ChatGPT को ओपन कर देना है। ChatGPT जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपने अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है, अब आपने ChatGPT में कमांड देना है कि हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट है इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे और टाइम को रिमूव करें। तो उसके बाद ये आपको आपका कंप्लीट टेक्स्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा।